close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna. हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे रॉयल शूट ब्लॉग में और मैं हूँ राहुल यादव। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हमें बुलाया गया है गाजिया गार्डन गांधी मैदान में, वहाँ पे शूट रखा गया, पता नहीं किस चीज़ का शूट है। तो आप इसी तरह हमारे ब्लॉग में बने रहिए, आपको मिलेगा अच्छे अच्छे वीडियो। और जो भी हमारे फ्रेंड्स है, भाई, उसको प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फिर चलते हैं क्या मिलता है। लोकेशन देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि किस टाइप का शूट होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त शूट होने वाला है। ये चलते हैं लिफ्ट के द्वारा, बहुत ही फास्ट लिफ्ट है यार, बहुत जल्दी आ गया 5 फ्लोर से। इतना जल्दी प्लेन भी नहीं चलता जितना जल्दी लिफ्ट आ गया। आइए जल्दी 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 अंदर कह रही हूँ, अंदर का व्यू आपको दिखाएंगे, ये बाहर का व्यू देखिए, ये शायद बालकोनी है और यहाँ पर सीढ़ी है। बहुत ही अच्छा लोकेशन है जो आप आइए आपको ले आ। आज यहाँ पे मेकअप शूट होने वाला है, मेरे को पता चला यहाँ पे आने के बाद। हमारे रितु मैम हैं जो कि बहुत ही, आपको पहले ही बता चुके हूँ कि पटना का फेमस पीछे का बात। मेकअप शूट होने वाला है, ब्राइडल लुक में आज दिखेंगे। तो आप कैसा लग रहा है, आपको एक्साइटेड लग रहा है? तो वॉच मेकअप करती है तो ऑब्वियसली यस। अगर आपका नाम क्या है? नाना सांचवानी श्रेष्ठ। हाँ,
आप कहाँ से? ये प्रॉपर पटना का, और ये ब्राइडल लुक में आप फाइनली आपको दिखाएंगे कि कैसे ही लुक में देखते हैं। और ये लोकेशन आप देख सकते हैं कि हम लोग का पूरा सेटअप तैयार कर लिया गया है, और इसका लोकेशन वहाँ पे है जो मेकअप का शूट होगा, तो हम आपको मेकअप शूट दिखाते हैं। हमारा फर्स्ट सेक्शन होगा ईयर टू ईयर सेक्शन करते हैं सब, ईयर टू ईयर। आप लोग हेयर कट भी करते होंगे तब भी सेक्शन करते होंगे। विदाउट सेक्शनिंग ना हेयर कट होता है ना हेयर स्टाइल होता है। जितना क्लीन आप सेक्शन करोगे उतनी क्लीन आपकी हेयर स्टाइल बनेगी। बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल इनका हुआ है, तो इनको पूछते हैं इनके हेयर स्टाइल कैसा लगा। इनका हेयर स्टाइल ये खुद नहीं पहचान पा रहे हैं कि मेरा क्या है। हाँ, इनका ये अभी सेल्फी में लिए कर फोटो देखे हैं कि हाँ मेरा कितना अच्छा हेयर स्टाइल लगा, ये बोल रहे हैं। अभी मिरर में देखे नहीं है इनका, और ये खुद नहीं पहचान पाए कि ये मेरा ही है। और मिलाते हैं प्रॉपर आपका मेकअप हुआ है? मेकअप के बारे में अभी नहीं हुआ, मेकअप हुआ नहीं, और मेकअप के बारे में भी हम बताएंगे। इसी तरह से वीडियो हमारे लगे रही है, मेकअप होगा उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो मैम आपको कैसा लगा इसको मैम का जो बाल का जो हेयर स्टाइल था वो कैसा आपको? मैंने क्योंकि उसके पहले भी सिमिलर आइडिया ट्रेन किया, बहुत अच्छा ये मेकअप प्लस हेयर स्टाइल नॉलेज लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लेडीज लोग का तो सबसे बेस्ट है मेकअप। तो मेकअप के बारे में अगर जानकारी ना हो तो वो अच्छा है। इनका मेकअप बहुत अच्छा ही है, और पहले भी इनका सिनेमा मैं आई हूँ तो देखती हूँ, बहुत ब्यूटीफुल इनका मेकअप हेयर स्टाइल मेकअप एकदम स्टाइल है लेवल का। और इनके जो इनका भी और भी ज़्यादा भी मेकअप ही होगा तो वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा, तो बहुत ही अच्छी लगेगा इनका। मैं दिखा सकती हूँ व्हाट्सएप पे, बट मैम से अच्छा आपको टीचर्स नहीं मिलेगा। वो बहुत बारीकी से सिखाती हैं, बहुत
मतलब आपके हमारे हिसाब से सिखाती है। टीचर्स क्या होता है, बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है, आप सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो वो आपका प्रॉब्लम, मगर मैम एक एक चीज को क्लियर करके बताती है। तो प्लीज सब लोग आज खाना पीना छोड़ दो, मैम का फुल ध्यान दो। आप लोग प्राइमर या आप मॉइस्चराइजर क्या यूज करते हो फेस पे? पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? दो टोन के फाउंडेशन है, ठीक है? ये तो पता है, ये हमारा लाइट टोन पे जा रहा है, ये हमारा डार्क टोन पे जा रहा है, इन पे ये दोनों में से कोई जाएगा? इसको हम लोग मिक्स करेंगे, दो पंप ये रहेगा तो एक पंप ये रहेगा, बिकॉज ये इतनी फेयर भी नहीं है, एंड अगर कोई डार्क है तो उस पर आप सीधा ये अप्लाई करोगे। उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं सर कि डार्क को भी फेयर कलर लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि फाउंडेशन आपका ग्रे पड़ जाता है। कुछ नहीं, आपको एक घंटे बाद जैसे ही वो फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है, आप वो बाहर निकलेंगे सलोन के, तो उनका ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होने के कारण वो ग्रे पड़ जाएगा, होता होगा। अब जैसे मैम ने आपके ऊपर लगाया कंसीलर, क्या लगाया था? ठीक है, उन्होंने अपनी टोन का नहीं लगाया, इसीलिए उनका कंसीलर ग्रे पड़ गया, पैचिनेस अलग चीज हो गई, बट वो ग्रे हो गया। अब जैसे मैम की टोन, ठीक है, उनका ये माउथ एरिया हमारा, तो उसमें हम लोग क्या है ऑरेंज टोन यूज करेंगे। पहले हम लोग अच्छे से ऑरेंज करेंगे, देन हम लोग डार्क कलर का एनविन है, लाइंस बनेंगी ही बनेंगी। किसी के अंडर आइज है, अब कोई बहुत ज्यादा एजेड इंसान लेडी है, अब उनके अंडर आइज है, तो आप रिंकल्स नहीं छुपा सकते, आप पिगमेंटेशन हाइड कर सकते हैं, आप डार्क स्पॉट्स। हम लोगों ने लाइनिंग कर दी, अब हम लोग इसको फिल करेंगे। Let's go. अब इस पे लास्ट हम लोग स्प्रे दे देते हैं अर्बन डिके का। Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. Finally, हमारे makeup artist बहुत famous makeup artist रितु जी से बात करने का time मिला है। Makeup हो रहा था तो हमें time मिल नहीं पाया, तो आइए हम आपको मिलाते हैं रितु जी से, जो आपको इस bridal का जो look है उसके बारे में बताएंगे। तो आपने कौन सा makeup किया है? HD engagement look था। Extra आपने use किया? जो भी मैंने use किया वो सारे मैंने अपने students बताया है कि आपको क्या यूज करना है, बेसिक से लेके एडवांस तक वो सारी इनको अपनी तरफ से मैंने प्रॉपर डीप नॉलेज दी है। अब बाकी तो यही लोग बताएंगे कि इन लोगों को कैसा लगा, नॉलेज इन लोगों को कैसी लगी, अब वो तो यही लोग बता सकते हैं। जो कोचिंग के समय में कैसे बोर्ड पे सारे नोट्स को क्लियर किया जाता है, उस तरह से आपने बोर्ड का यूज किया, तो क्या ये हम ऐसा प्रॉपर करते हैं? हाँ जी, हमारे ये सेकंड वर्कशॉप है, फर्स्ट वर्कशॉप हमारा होटल सर्वोदया में हुआ था, एंड वहाँ पे भी हम लोग ने ऐसे ही पढ़ा था। ये हमारे फर्स्ट वर्कशॉप के स्टूडेंट हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग ने ऐसे ही टीच किया था। मेरा कहना है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको एक एक चीज की नॉलेज पता होनी चाहिए, पटना के मेकअप आर्टिस्ट को पीछे नहीं होना है, आगे होना है। और पटना का काफी फेमस मेकअप आर्टिस्ट है, आप अपने नाम एक बार फिर से ले लो। रितु कौर। रितु कौर, क्या मेकअप क्या क्या है वो आपका कंपनी का नाम? इनका मेकअप किए हुए इनके कुछ हैं जो सीखने आए हैं, उनके उनसे पूछते हैं कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला? एक्स्ट्रा जो देखे आपको कैसा लगा? अच्छा। तो इसी तरह हमारे बहुत हैं, आइए हम मिलाते हैं। क्या नाम है आपका? श्वेता। श्वेता रानी जी, आपको कैसा मेकअप लगा ये ब्राइडल को? बहुत अच्छा। आपका हेयर स्टाइल कैसा लगा? वेरी नाइस। ये आपको क्या नाम? अनिता कुमारी। ये कुछ कहना चाहते हैं इनसे? आप फोकस कह रहे हैं, क्या नाम है? ऋषि।
तो आपको क्या चीज सबसे बेस्ट लगा अगर ब्राइडल के लिए? मेकअप और हेयर दोनों। तो ये हमारे लोग काफ़ी दूरों से आए हैं। कहाँ से? पटना सिटी से। अच्छा, आप कहाँ से? पटना। सारे लोग पटना सिटी से ही हैं? नहीं, हम गौरीचक से आए हैं। ये ओहो, सबसे दूर से आए हैं। संपर्चक के आगे गौरीचक, संपर्चक के आगे गौरीचक है। ये मेरा नाम सुलेखा कुमारी है, पटना सिटी से। मैं पहले सोचती थी कि मैं बहुत अच्छा ब्यूटीशियन हूँ, लेकिन जब मैंने मैम को देखा तो मुझे लगा मैं तो बिल्कुल जीरो हूँ, क्योंकि मैम का मेकअप का आगे मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने आज इतना एक्स्ट्रा चीज़ सीखा जो मैंने कभी सीखा ही नहीं था। तो एक दो स्टेप ऐसा चीज़ है कि एकदम अभी यूनिक सा, मतलब जो चीज़ सबसे यूनिक क्या लगा आपको? सबसे यूनिक लगा आई मेकअप, जो ऊपर जो आई शेडो लगता है, आई शेडो। हाँ, वो एकदम यूनिक, क्योंकि मैंने बहुत बार मेकअप किया है दुल्हन का, ब्राइड मेकअप किया, लेकिन ये नहीं पता था कि आई शेडो के ऊपर ये मतलब हाईलाइट कैसे करते हैं, ग्लिटर वगैरह कैसे लगाते हैं, ऊपर से घूम कैसे लगाते हैं, आईलेशेस कैसे, आईलेशेस तो जानी थी कि इसमें कोई आई जो इन्होंने बताया वो भी लेटेस्ट, वो एकदम लेटेस्ट था, एकदम यूनिक था। तो ये चीज मुझे लगता है कि अगर मैं जितना भी सीखी थी वो अब मैं जीरो मैम के आगे, क्योंकि मैम का क्या आपको लगता है कि हम यहाँ से जो भी नॉलेज ली है मेरे क्लाइंट से? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ आए हैं, बहुत खुशी भी यहाँ मिला है, जितने भी लोग सीखने आए हैं, फिर जाने आए हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैम का जो मेकअप है वो बहुत एकदम बहुत अच्छे से समझाना, बहुत अच्छे से उसको ये कर, इसलिए उनके मतलब हम लोग अकॉर्डिंग मैम का बहुत अच्छे से सिखाना, ये भी बहुत एक मैटर करता है, क्योंकि म्यूजिशियन सीखने के लिए माइंड को अगर आप रख रहे हैं तो कभी ना कभी भूल जाएगा, लेकिन इनको जो सिखाने का तरीका, उनको जो पूरा प्रॉपर कोचिंग की तरह तो उनका मेकअप के साथ साथ जो उनका थ्योरी है बताने का, जो स्टाइल है, जो सिखाने का, जो करने का, वो एकदम अलग है, यूनिक है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है मैम का मेकअप बहुत एकदम। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैम जो है रितु जी हैं, जो पटना का फेमस मेकअप आर्टिस्ट, इनका मेकअप बहुत ही चर्चे में रहते हैं और काफ़ी ब्लॉग हम बनाते रहते हैं। पिछले ब्लॉग में कृष्णा राधे कृष्ण में आप किए होंगे, उसमें भी हम रितु जी का ही नाम लिए थे, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट तैयार किए थे मेकअप का, जो कृष्णा जी का जो लुक डाले थे, वो काफ़ी चर्चित थे। आप जाना चाहते हैं जो इतना मेहनत कर रहे हैं, आगे हम एक पटना में अकेडमी खोलना चाहते हैं, ताकि कोई भी मेकअप आर्टिस्ट को गलत नॉलेज नहीं मिले, ठीक है, उनको एग्जैक्टली सेम नॉलेज मिलनी चाहिए और सही नॉलेज मिलनी चाहिए, जो कि मोस्टली बहुत सारे लोग नहीं देते, आधी अधूरी नॉलेज दे देते, जिससे वो लोग नहीं कर पाते। नहीं, काफ़ी सैलूनों में कभी हेयर खराब हो जाता है क्रीम की वजह से, मेकअप की वजह से स्किन डैमेज हो जाता है, उसके बारे में आप क्या करें? देखिए, मेकअप से स्किन डैमेज नहीं होता है, बशर्ते आपको प्रोडक्ट कैसा यूज़ करना है, आप स्किन को प्रेप कैसे करते हो, हेयर को कैसे देखते हो, उस पर डिपेंड करता है। मेकअप और हेयर स्प्रे से आपका स्किन खराब नहीं होता है, बट हाँ, प्रेपिंग से खराब होता है। कहीं अधूरा नॉलेज के कारण ऐसा होता होगा, स्किन डैमेज में भी हो सकता है, होता है, बिल्कुल होता है। हाँ, मैंने काफ़ी वीडियो में देखा है कि स्प्रे मारने की वजह से हेयर जो होता है बहुत टूटने लगता है, डैमेज होता है, उसके बाद इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पहले हम लोग को हेयर को प्रेप करना चाहिए, जो कि आज की क्लास में मैंने इन लोग को बताया अभी है। आपको मैम कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा। और ये क्या है हाथ में, ये क्या है? ये सर्टिफिकेट। क्या यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिलती है? मैम सर्टिफिकेट देती है? मतलब एक्सपीरियंस होने के बाद, या मतलब इनका वर्कशॉप करने के बाद? वर्कशॉप करने के बाद ही देती है, वर्कशॉप को और मैम का सबसे अच्छा पॉइंट है जो वर्कशॉप करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिला जाए। शूट कम्प्लीट हुआ गार्जिया गार्डन में, तो आपको किस तरह का वीडियो लगा हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो भी हमारे व्यूअर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते रहेंगे, इस तरह से अच्छे वीडियो लाएंगे।